हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार न्यूज़। मेरा नाम है ऋषभ और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक अमेजिंग अपडेट लेकर आया हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ह्यूंडई वर्ना 2020 मॉडल के बारे में, जिसके एक्सटीरियर लीक हो गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इसकी लॉन्च डेट, इसकी प्राइसिंग, इसके इंजन, इसके फीचर्स, साथ के साथ इसके इंटीरियर और डिज़ाइन के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और आपको पसंद है ह्यूंडई की सेडान्स या किसी भी कोई भी सेडान अगर आपको अच्छी लगती है, तो आपको डेफिनेटली वर्ना के लिए वेट करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट एंड बेस्ट सेलिंग गाड़ी है इंडिया की, अगर हम सेडान वाला सेगमेंट देखते हैं, और काफ़ी अच्छी गाड़ी भी, आपको सारे फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। तो कोई पर्सन क्यों इसे परचेज़ ना करे, आज की इस वीडियो में सारा कुछ कवर होगा इसके नए वेरिएंट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए काफ़ी मेहनत करती है इसी तरह की अमेजिंग लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव्स, कंपैरिजंस, रिव्यूज़ भी होते हैं इसमें, टेस्ट ड्राइव्स भी होती हैं, ब्रोशर्स, लीक्ड इन्फॉर्मेशन, साथ के साथ कंपैरिजंस भी होते हैं। तो उन्हें देखने के लिए बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी नीचे कर सकते हैं अपना ओपिनियन। काफ़ी अच्छा लगता है हमें कि जब आप लोग अपनी सजेशंस देते हैं, अपने बारे में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं हमारे साथ, मेरे को और मेरी टीम को काफ़ी अच्छा लगता है वो, तो इसलिए कमेंट करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूंडई वर्ना 2020 मॉडल के बारे में, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसमें आपको बताऊं कि इसके एक्सटीरियर लीक हो गए हैं। ऑटो शो में इनको दिखाना था, कंपनी ने डिसाइड किया था, लेकिन पहले ही लीक हो गए हैं ऑनलाइन। तो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें एक नया कलर है, ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन शेड है इसका, जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा डेफिनेटली, मुझे ये लगता है। मुझे अबव एवरेज लगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ अच्छा है। फीचर्स और पहले डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे। डिज़ाइन में ऑब्वियसली हेडलाइट्स, टेल लैम्प्स, हर तरह का काफ़ी मतलब आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अलॉय व्हील्स में काफ़ी डिफरेंस है। उसके अलावा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ इसके साइड प्रोफाइल में और बैकलाइट में, बैक टेल लैम्प्स में ना क्या है कि उन्होंने ज्वाइन कर दिया दोनों टेल लैम्प्स को। हेडलाइट्स में भी आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगे। थोड़ा स्लीक एंड फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया है कंपनी ने इस गाड़ी को। साथ के साथ अगर हम इसके साइड प्रोफाइल और इंटीरियर की बात करूँ, तो साइड प्रोफाइल भी चेंज है। अलॉय व्हील्स की सबसे पहले निगाह जाएगी आपकी डेफिनेटली। डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट लेके आई है ह्यूंडई कंपनी। अब जो अलॉय व्हील्स हैं काफ़ी हम कह सकते हैं सिमिलर लुक आ रही है इनकी आपस में, लेकिन काफ़ी अच्छी लुक है, एक न्यू मॉडर्न एज हम अलॉय व्हील्स कह सकते हैं ह्यूंडई की तरफ से। तो वर्ना के भी एक नए वेरिएंट ही हैं और आपके उसी तरह के आपको अलॉय व्हील्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। आपको क्लियरली क्लोजअप फोटो में यहाँ पर दिखा देता हूँ। इंटीरियर की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑल ब्लैक भी होगा, ड्यूल टोन कलर्स भी होंगे, क्योंकि इसमें पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, पेट्रोल ऑटोमेटिक भी होगा, डीजल ऑटोमेटिक भी होगा। तो इस हिसाब से ह्यूंडई कंपनी इंटीरियर का कलर भी चेंज कर सकती है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, उसके बाद हम इंजन, लॉन्च डेट और प्राइसिंग की भी करेंगे। फीचर्स की बात करूं तो इसमें ऑब्वियसली आपको क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तो नहीं होगी शायद, बट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली होगी। साथ के साथ आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, आपको हिल असिस्ट वगैरह भी इसमें मिलेगा। ग्राउंड क्लीयरेंस शायद कंपनी पहले से थोड़ी सी इंक्रीज़ करे, बट मेरे को नहीं लगता करेगी वैसे, बट चांसेस हैं। सो उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ फीचर्स में ही, तो आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे इसमें डेफिनेटली, जैसे कि ह्यूंडई वेन्यू में आते हैं, क्रेटा 2020 में आएंगे और वर्ना में भी आएंगे। उसके अलावा फीचर्स में जो मेजर चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है वो होंगे इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ, और इसमें शायद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी कंपनी इस नए वाले मॉडल में लेके आएगी। फीचर्स में यही था। इंजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक हर तरह का इंजन आएगा इसमें। तो पेट्रोल का पावर जनरेट कर सकता है 115 PS की पावर, और साथ में उसकी टॉर्क की अगर बात करूँ तो 170 के आसपास की होगी, और डीजल इंजन भी इसका 115 PS की पावर जनरेट करेगा और टॉर्क हो सकती है 240 या 250 न्यूटन मीटर। बेसिकली क्रेटा 2020 वाले जो इंजन है वही इसमें यूज़ किए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड हो सकता है कि एक तीसरी इंजन ऑप्शन भी लाए, बट उसके चांसेस थोड़े से कम है। बात करूँ अगर मैं आपसे लॉन्च डेट और अनवील वगैरह की, तो इंडिया में इसे दिखाया जाएगा इंडियन वेरिएंट को ऑटो एक्सपो 2020 में अलॉन्ग विद द क्रेटा 2020। लेकिन क्रेटा को जल्दी लॉन्च किया जाएगा, वर्ना को थोड़ा सा लेट हो सकता है कि वर्ना को जून जुलाई अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाए। प्राइसिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि 800,000 इसकी बेस प्राइस की होगी, 7.99, टॉप वेरिएंट होगा 13.99 लाख। अब किस हिसाब से इसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस हिसाब से इसकी फीचर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस हिसाब से इसकी वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वर्ना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो इस बात पर एक लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ के साथ आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत गाड़ियां आ रही हैं क्रेटा के लिए, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं इसी चैनल पर रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस अपडेट्स को मिस कर रहे हैं, तो उनको ना मिस करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ना की खास बात जो मुझे लग रही है ना, मतलब
कंपटीशन के हिसाब से मारुति सुजुकी सियाज हो गई, होंडा सिटी होगी, मेरे को ज़्यादा पसंद वरना ही आती है, बिकॉज ह्यूंडई की आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, क्वालिटी की बात करें और वरना में जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं सारे, तो क्यों कोई वरना ना परचेज करे। तो वरना एक अच्छी गाड़ी है, तो आप भी परचेज कर सकते हैं, अभी वाला मॉडल भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नया मॉडल अब एक साल आने में लग जाएगा, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो डेफिनेटली वरना 2020 कैन बी अ गुड ऑप्शन। अब देखना है, लॉन्च होती है, एक्सपो पे दिखाई जाती है, तो किस हिसाब की होती है, एक्सपो की सारी कवरेज भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब इज इम्पॉर्टेंट, तभी बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करें, हमारी हेल्प करें चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियोज़ अपलोड कर सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।